नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम खड़े हैं 68 चैनल पर और यहाँ पर ये ब्रिज आप देख रहे हैं, इसके दोनों अपार्टमेंट बन गए हैं। वो A1 है और ये वाली साइड में इसका A2 है। इसके जो पियर बनने हैं दो, उसकी पाइलिंग हो रही है यहाँ पर। वो जो सामने है वहाँ पर पाइलिंग का एक्सकवेशन, पाइलिंग का एक्सकवेशन स्टार्ट है और यहाँ पर ये वर्क हो चुका है। अब इनकी क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सकवेटर है, हाई टिपर है, जो भी मिट्टी निकल रही है उसको हम बाहर फेंकेंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइलिंग मशीन, यहाँ पे पाइल करते हुए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, पाइलिंग कैसे की जाती है, कब की जाती है, किस कंडीशन में पाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर हम ओपन फाउंडेशन क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम पाइलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको वीडियो में कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। चलिए मैं शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है पाइलिंग मशीन, इसमें होता कुछ नहीं, एक इंजन होता है, ये वही 6 सिलेंडर वाला किर्लोस्कर का इंजन होता है और ये सारा खेल है वो बेल्ट से चलता है। ये जो लीवर आप देख रहे हैं, बस इस लीवर को अप एंड डाउन करते जाओ तो ये जो वायर स्टिंग वायर टाइप का दिख रहा है, ये इसी से चलता है। जैसे दोस्तों ये वाला जो मशीन है, इसमें कुछ ब्रेकडाउन हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो रुका हुआ है। और ये वाली आप सामने आपको रनिंग दिख रही है, यहाँ पे अभी खुदाई का काम कर रही है। पहले खोदते हैं, बाद में फिर इसमें से मटेरियल भी निकाला जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है, जो काका चला रहे हैं, तो वो लीवर है, लीवर को अप डाउन करना पड़ता है। इसमें ये जो वायर रोप देख रहे हैं आप, इसको एक स्पेसिफिक साइज हाइट पे ले जाके उसको एकदम गिरा दिया जाता है, जिससे ये अपना जो इसका वेट है, वेट से इसमें खुदाई करती है। और खुदाई होने के बाद, एक फिर 1.5 मीटर इसको खुदाई होने के बाद, फिर हम इसमें ये जो दूसरा एक और, ये जो आप देख रहे हैं सामने एक और रखा हुआ है, इससे उसकी फिर सफाई करते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ जो हम बोर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है जो हम पाइल कर रहे हैं। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये है इसका बिट, इसी से हम लोग पाइल कर रहे हैं, खुदाई इसी से की जाती है इसमें। और इसका एक दूसरा पार्ट होता है ये बकेट टाइप का, इससे हम क्लीनिंग करी जाती है। जब भी हम दोस्तों दो मीटर की हाइट डेप्थ में जब हम चले जाते हैं, उसके बाद जो सारा मटेरियल रहता है वो हमें इसी बकेट से इसको निकालते हैं। दोस्तों ये चल रहा है सामने पाइलिंग मशीन और यहाँ पे हम ये पाइल कर रहे हैं। तो इसका जो फंक्शन रहता है वो होता है, इसका जो बिट होता है उसमें काफ़ी हैवी होता है, उस हैवी बिट को हम एक स्पेसिफिक हाइट से बार बार इसमें अंदर हम छोड़ देते हैं, उसी से पाइलिंग होती है। इसको लगभग एक बार में हम 1 से 1.5 मीटर तक अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर उसकी क्लीनिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हम पाइलिंग के बाद इसकी कंक्रीट कर चुके हैं, अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं। इसको 2 मीटर की डेप्थ में हम इसकी सारी मिट्टी वगैरह सब कुछ निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम इसको 1.8 मीटर की डेप्थ में इसकी ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेकिंग मशीन से हम इसकी ब्रेकिंग करने के बाद इसके सरिये निकाल देंगे बाहर, फिर उसके बाद इसकी PCC होगी। PCC के बाद फिर इन सरियों में हम इसकी राफ्ट की जो स्टील जो हम बाइंड करेंगे उसको हम जोड़ेंगे। मतलब पाइलिंग जनरली उस कंडीशन में की जाती है जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा है, आपको हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक नहीं मिलती है एक स्पेसिफिक डेप्थ में जाने के बाद भी। इसलिए यहाँ पे 15 से 20 मीटर तक हमें हार्ड रॉक नहीं मिली थी, तो यहाँ पे हम 24 मीटर की डेप्थ में ये हम पाइलिंग कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टील की रिंग है, इनको हम पाइलिंग करते टाइम हम लगाते हैं। ये इसका DG है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये 32 mm का सरिया है, ये इसकी रिंग है। ये जो हम पाइलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें डालते हैं, ये और रखे हुए स्टील की रिंग। तो यहाँ पे जो हम इसके जो पाइल के जो रिइंफोर्समेंट है उसका काम चल रहा है, यहाँ पे बेल्डिंग होती है इसकी रिंग को, है ना, इसकी मास्टर रिंग जो रहती है उसको हम बेल्ड करते हैं मेन वायर से, उसके ऊपर ये दूसरी वाली जो सर्कुलर रिंग है उनको हम बाइंडिंग वायर से टाइट कर देते हैं। दोस्तों अभी मैं ब्रिज के ऊपर आया हूँ इधर,
इधर से आपको पूरा क्लियर व्यू मिल गया होगा, वो A1 है, ये A2 है, बीच में पाइलिंग हो रही है, दो पियर बनेंगे और इधर चल रही है अपनी रिंग मशीन, ये पाइलिंग मशीन है और ये वाले का 6 पाइलिंग होनी थी, 6 हो चुकी हैं, कंक्रीट भी हो गई है, उसकी क्लीन कर रहे हैं उसको, फिर उसको ब्रेकिंग करेंगे, इसलिए एक्सकेवेटर से हम क्लीन कर रहे हैं इसको। इसमें क्या कीचड़ ज़्यादा निकल रहा था, तो डंपर लगाया हुआ है, ये जो मटेरियल निकल रहा है साइड में हम फेंक देंगे। अभी जब आप नेक्स्ट टाइम ये इसका जो LHS वाला पोर्शन है इसकी जब कंक्रीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पाइलिंग की कंक्रीट कैसे, इसकी भी एक अलग ही टेक्निक है कंक्रीट करने की, नॉर्मल कंक्रीट की तरह नहीं की जाती, ये भी सिर्फ पाइलिंग मशीन के थ्रू ही की जाती है। और जब इसका जैसे अभी ब्रेकिंग होगी उसके बाद इसमें मैट जब हम स्टील का मैट लगाएंगे तब हम फिर से आपको बताएंगे कैसे कर किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस टाइप की वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कि ब्रिज कैसे तैयार होते हैं, इतना आसान नहीं है, जब भी हर लोग पाइलिंग को अवॉइड क्यों करते हैं, यही कारण है, पाइलिंग करने में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे ये जो हमने ये छोटी मशीन क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 इधर करने, 6-12 ही 12 नंबर ऑफ 12 पाइल करने थे, इसलिए बड़ी मशीन इतने छोटे मोटे काम के लिए आती नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे केवल 12 पाइल ही करने थे, इसलिए हमने छोटी मशीन यूज़ कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।